तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप टेंथ के बाद आर्ट्स चूज़ करते हैं तो आर्ट्स में आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा वो बताएंगे इस वीडियो में, पूरा कवर करेंगे। जो भी कन्फ्यूज़न है आपके अंदर में ये पूरा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे इस वीडियो में। जितना भी स्टूडेंट्स है ये अक्सर होता है कि आर्ट्स अगर हम इंटर में आर्ट्स चूज़ करते हैं तो आर्ट्स में आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है। यस, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग का जो पढ़ाई होता है टेंथ तक हम लोग का जो भी सब्जेक्ट होता है सभी स्टूडेंट्स का एक जैसा सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग को चुनने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे आप टेंथ पार करते हैं, टेंथ पार करने के बाद आपको अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यस, सबसे पहले तो आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों में आपको चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। जी हाँ, ताकि आप आर्ट्स लेके अच्छा मार्क्स भी लाएंगे और आप एक्स्ट्रा में कुछ अगर तैयारी भी करते हैं वो भी कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट बताएंगे आपको इसमें अच्छा मार्क्स आपका आएगा। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने मिलेगा इसमें, अगर आप आर्ट्स चूज़ करते हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले कि इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों आपको कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, फिर आपका सोशोलॉजी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसमें से सबसे मतलब बेस्ट जो सब्जेक्ट आपके लिए क्या होगा वो आपको बताएंगे। सबसे फर्स्ट में आपको बताएंगे कि इंग्लिश आप रखेंगे तो इंग्लिश कोर में रखेंगे। उसके बाद आता है हिंदी, हिंदी इलेक्टिव रखेंगे। ये दो ठो आप क्लियर कर लीजिएगा, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव। फिर आता आपको लेना पड़ेगा, मैं आपको जो रिकमेंडेड करेंगे वो आपको बताएंगे, और आपके ऊपर खुद भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन इंग्लिश हिंदी आपका हो गया। उसके बाद आता आपका हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें आपका पूरा जो हम लोग को पास्ट में क्या हुआ है उसके बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में। हिस्ट्री के बाद है आपका पॉलिटिकल साइंस, यस, राजनीतिक शास्त्र। इसमें आप पूरा पॉलिटिकल के बारे में पढ़ पाएंगे, राजनीतिक शास्त्र जो है। तो ये आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये आपका चार हो गया। और एक आपको रखना है सोशोलॉजी, जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ये पांच सब्जेक्ट। और अगर आप इसके बीच में अगर लेना चाहेंगे इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क करना पसंद करेंगे, थोड़ा मेहनत करना पसंद करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, यस। और अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ रखना चाहेंगे तो उसमें आप फिलोसफी को रख सकते हैं, यस। सोशोलॉजी आपका जो है वो दर्शन समाज शास्त्र है, सोशल वर्क के बारे में उसमें जान पाएंगे आप, समाज से रिलेटेड जो भी होता है। तो और फिलोसफी जो है ये इसमें आप दर्शन शास्त्र के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आप इकोनॉमिक्स को चूज़ करते हैं। लेकिन आपको जो हम बताएंगे, इंग्लिश कोर रखिए, हिंदी इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी, ये पांच सब्जेक्ट आप रख लीजिए। इसमें आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा और आप आगे कुछ एक्स्ट्रा में अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं दूसरा, वो भी आप कर पाएंगे इसके जरिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इस तरह के भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।